Good morning students. Today we will start exercise 2.2 of chapter 2 fractions and decimals. So my exercise 2.2 का first question है, which of the drawing A to B shows? ठीक है, हमें कुछ fractions की value given है and कुछ figures given है A, B, C, D. So जो figure जिस fraction value के साथ correct है हमें find out करना है. So सबसे पहले हमारी जो fractions value given है, अगर हम इनको देखें तो 2 into 1/5, second है 2 into half, third है 3 into 2/3 and fourth है 3 into 1/4. So आगे की जो values given है 2, 2, 3 या 3, ये क्या है हमारे total numbers of figures कि कितने कितने figures है. इस वाले केस में 2 figures है, इस वाले केस में 2 figures है, इसमें 3 figures है और इसमें 3 figures है. उसके बाद जो पीछे values दे रखी है, so जो numerator में हमें values दे रखी है 1, 1, 2, 1, जो ऊपर वैल्यू दे रखी है वो हमको बता रही है कि कितना पार्ट हमारा शेडेड है. ठीक है, 1 है इसमें, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है. और नीचे वाली वैल्यू हमें बता रही है कि टोटल कितने पार्ट है, उसमें से इतना पार्ट क्या है शेडेड है. जैसे 5 पार्ट है, 5 में से 1 पार्ट शेडेड है. 2 पार्ट है, 2 में से 1 पार्ट शेडेड है. 3 पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट शेडेड है. एंड 4 है, 4 में से 1 पार्ट शेडेड है. और आगे वाले हमारे टोटल नंबर ऑफ फिगर्स बता रहे हैं. हम चेक करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन किस वैल्यू फिगर्स के साथ मैच कर रहा है. तो देखो, फर्स्ट वैल्यू हमें दी 2 into 1/5. तो अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में क्या है 2, तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ इस वाले जो है इसमें 2 figures है. तो 2 figures किस किस में है, देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है. तो 2 हमारे दो दो में है, एक तो बी में है और एक डी में है. अब आगे चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है 1/5. 5 क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ फिगर, मतलब उस फिगर में 5 पार्ट्स हैं. तो एक तो ये है हमारा 2 figure और एक ये है 2 figure. किसमें 5 पार्ट्स हैं, इसमें तो सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसमें है. तो दैट मीन्स ये वाला फिगर किसका हुआ, डी वाले का, जिसमें 1 पार्ट शेडेड है. तो इसमें 1 पार्ट शेडेड है, 5 में इसमें 1 पार्ट शेडेड है, दोनों में 5 में से 1 पार्ट शेडेड है. और कितने फिगर्स हैं, 2 figures हैं. तो ये वाला क्या हुआ, फर्स्ट वाले का आंसर क्या हुआ, फिगर डी. मींस ये हमारा फिगर डी से मैच कर रहा है. दैट मींस 2 into 1/5 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, फिगर डी. नाउ सेकंड करते हैं, सेकंड क्या लिखा है 2 into half. अगेन कितना दे रखा है, 2 figures है. 2 figures किसके बचे, इन तीनों को देखेंगे क्योंकि इसका तो आंसर आ चुका है. और ए बी सी देखेंगे तो इसमें 2 figures किसमें है, बी में है. ठीक है, बी में क्या है, टोटल पार्ट कितने, 2 है, 1, 2, 1, 2. तो है 2 2 पार्ट्स है जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है. तो ये हमारे 2 पार्ट्स है जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है. तो दैट मीन्स ये हमारा किसका आंसर हुआ, फिगर बी का. इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, फिगर बी. ठीक है, नाउ थर्ड वैल्यू क्या है हमारी, 3 into 2/3. ठीक है, तो 3 क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ फिगर्स है. तो 2 ही वैल्यू बची हमारे पास, इसमें 3 figures है और इसमें 3 figures है. ठीक है, नीचे पार्ट्स कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं. जो भी फिगर है उसमें 3 पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4, इसमें तो 4 पार्ट्स है, तो ये तो हो नहीं सकता. 1, 2, 3, इसमें 3 पार्ट्स है, 3 में से ऊपर वाला 2 शेडेड है. तो 2 शेडेड है सब में, तो दैट मीन्स इसका क्या आंसर हुआ, फिगर ए. ठीक है, नाउ लास्ट है हमारा 3 into 1/4. 3 into 1/4 में से अगेन 3 figures है, 3 figures ये वाले बचे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स है, सही है. और ऊपर 1 पार्ट शेडेड है, तो सब में 1 पार्ट शेडेड है. तो दैट मीन्स 4th वाली वैल्यू का हमारा आंसर क्या हुआ, फिगर सी. ठीक है, तो इस तरह से हम फिगर्स को हमारी वैल्यू से मैच कराएंगे. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ देम शोस. ठीक है, अगेन हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं. ठीक है, और उनके फ्रैक्शन पार्ट्स हमें उनको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन पार्ट इस फिगर के लिए करेक्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर्स को कंसिडर करेंगे एंड देन उनके फ्रैक्शन पार्ट को. सो देखो, टोटल नंबर ऑफ फिगर कितने हमारे पास, 1, 2, 3. ठीक है, जिसमें से 2 figures को जब हम जोड़ रहे हैं तो तीसरा फिगर बन रहा है. ठीक है, बीच में इक्वल्स का साइन है. सो दैट मीन्स इन 2 figures के जोड़ने पर या मल्टीप्लीकेशन करने पर हमारे को 3rd figure मिलता है. ठीक है, सब ए बी सी फिगर में. तो स्टार्टिंग देखते हैं. देखो, फर्स्ट फिगर जो है इसमें हमारे कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3. ठीक है, ये हमारे टोटल 2 figures हैं, 1 figure और 2 figure. 2 figures से बन के ही तीसरा फिगर बन रहा है. ठीक है, इक्वल में.
पार्ट, शेडिंग से दोनों में वन वन पार्ट है, दैट इज वन पार्ट है। अब ए फिगर में तीन पार्ट है, तीन में से एक पार्ट शेडेड है, ऐसे करके हमारे पास दो फिगर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्ट ये आ रहा है, तो टू इंटू वन बाई थ्री जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टू बाय थ्री, टू वन जो टू और थ्री का थ्री एज इट इज, तो इसका आंसर क्या हुआ, टू इंटू वन बाई थ्री इक्वल्स टू टू बाय थ्री, ठीक है। टू बाई थ्री जो रिजल्ट आया है इसको भी चेक कर सकते हैं, देखो थ्री कितना है, टोटल फिगर्स पार्ट है वन टू थ्री, उसमें से शेडेड पार्ट कितना है टू, वन टू, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला फिगर है उसका रिजल्ट क्या है, टू बाय थ्री, और हमने चेक करा तो टू पार्ट शेडेड है आउट ऑफ थ्री। सेकेंड फिगर पे आते हैं, सेकेंड फिगर में क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल शेप दे रखे हैं, इसमें अगर हम देखें तो वन टू थ्री फोर कितने पार्ट हैं, फोर पार्ट्स हैं, ठीक है, और शेडेड कितने दे रखे हैं, थ्री दे रखे हैं, वन टू थ्री, तो थ्री हमारे शेडेड है, ठीक है, और टोटल कितने फिगर्स हैं हमारे पास, वन टू थ्री, तो आप इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल पार्ट्स दे रखे थे फोर, उसमें से शेडेड पार्ट है हमारे पास थ्री, वन टू थ्री, तो थ्री ऊपर लिखेंगे और टोटल फिगर कितने, वन टू थ्री, तो थ्री से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, थ्री थ्री से होता है हमारा नाइन और नीचे चलता है फोर, तो आएगा नाइन बाय फोर, और नाइन बाय फोर को हम और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, टू वन बाय फोर, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, नाइन पार्ट शेडेड होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन पार्ट शेडेड है, तो नाइन बाय फोर, तो इसका आंसर आया नाइन बाय फोर, दैट इज टू वन बाय फोर। देन सी फिगर क्या है हमारा, देखो अगेन इसमें एक दो तीन, जो तीन फिगर है उससे हमारा फोर्थ फिगर बन रहा है, ठीक है। सो अगर हम पहले एक फिगर को देखेंगे तो देखो एक फिगर में कितने पार्ट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो सब में फाइव फाइव पार्ट्स हैं, फाइव में जो सब में कितने पार्ट शेडेड हैं, सिर्फ ओनली वन पार्ट, इसमें वन इसमें वन इसमें वन, तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको वन बाय फाइव लिख सकते हैं, क्योंकि फाइव तो टोटल पार्ट्स हैं और शेडेड कितने हैं, वन है, तो ये हमारे वन। उसके बाद टोटल फिगर कितने, वन टू थ्री, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया वन बाय फाइव को, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, थ्री वन सा थ्री, ठीक है, तो दैट मीन्स आप कितने पार्ट शेडेड होंगे हमारे, थ्री, वन टू थ्री पार्ट शेडेड हो गए, कितने में से, फाइव में से, तो इसका आंसर क्या आएगा, थ्री इंटू वन बाय फाइव इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, एंड देन जो लोएस्ट फॉर्म आएगी उसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है क्या, हमें सेवन इंटू थ्री बाय फाइव, सो बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन का करते हैं तो उसका क्या रूल है, देखो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। सो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन कितना दे रखा है, सेवन इंटू थ्री बाय फाइव, अगर मैं सेवन के नीचे डिनोमिनेटर में वन लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं वन लगा सकती हूँ, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, जो कि किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू आई है इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है आपको, तो सेवन थ्री से कितना होता है 21 एंड वन फाइव से कितना होता है हमारा 5, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी लोएस्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म आ गई, लोएस्ट फॉर्म आ गई, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी लोएस्ट फॉर्म है उसको हमको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 21 बाय 5 को हम क्या करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे 5 से, किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 के टेबल में 21 तो नहीं आता, पर 5 फोर से कितना होता है 20, नीचे क्या बचा 1, अब ये इससे ज़्यादा डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 बड़ा है 1 छोटा, तो अब डिविजिबल नहीं है, हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, डेसिमल नहीं बनाना, हमें डेसिमल बनाना होता तो हम पॉइंट लगा के जीरो ले लेते, हमें मिक्स फ्रैक्शन में रखना है, तो पोजिशन कैसे चेंज होगी, ये 4 आएगा 5 के प्लेस पर, 5 जाएगा नीचे और 1 जाएगा 4 के प्लेस पर, तो 4 आया 5 के प्लेस पर तो 4, 5 गया 1 के प्लेस पर तो नीचे 5, और 1 गया 4 के प्लेस पर तो 1, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बना हमारे फर्स्ट पार्ट का, 4 1 बाय 5।
नाउ सेकेंड क्या है हमारा 4 × 1/3। अगेन जो चीज हम फर्स्ट में करके आए वही करने आएंगे। अगर मैं 1 × 1 लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डिनोमिनेटर में क्या आया 1। ठीक है, 4 × 1 से कितना होता है 4 और 1 × 3 से कितना होता है 3। मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो अब इसको ये हमारी लोएस्ट फॉर्म आई है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइड करके। ठीक है, देखो 4 है, 4 में मैं 3 का डिवाइड करूंगी, सो 3 × 1 = 3 क्या बचा? 1 बचा। प्लेसेस कैसे चेंज होंगी? 1 आएगा 3 की प्लेस में, 3 आएगा 1 की प्लेस पर, 1 जाएगा 1 की प्लेस पर। सो क्या फॉर्म बनी? 1 × 1/3। ठीक है, सो सेकंड का मिक्स फ्रैक्शन आया हमारे पास 1 × 1/3। नाउ द थर्ड पार्ट इज 2 × 6/7। ठीक है, सो इसके लिए सेकंड में 1 लगा दूंगी, कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो 2 × 6 = 12 and 1 × 7 = 7। ठीक है, नाउ ये हो गई हमारी लोएस्ट फॉर्म। इस लोएस्ट फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। सो अगेन डिवाइड करके, 12 है इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 7 × 2 = 14 होता है, 7 × 7 से जाएगा, क्या बचा? 5 बचा। प्लेसेस कैसे चेंज होगी? 1 आएगा 7 के प्लेस पर तो 1, और 7 गया 5 के प्लेस पर तो 7, और 5 गया 1 के प्लेस पर तो 5। तो 1 × 5/7 इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ पार्ट 3। नाउ कम टू 4th पार्ट, जो कि क्या है 5 × 2/9। ठीक है, अगेन मैंने डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 × 2 से कितना होता है हमारा 10, 1 × 9 = 9। ये आ गई हमारे 10/9 लोएस्ट फॉर्म। नाउ रिड्यूस इट टू द मिक्स फ्रैक्शन। सो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? देखो अगेन वही काम करना है, डिवाइड करके 9 को 10 × 9 से डिवाइड करके 9 × 9 = 9, क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? 1 की प्लेस पे 9, 9 की प्लेस पे 1, 1 की प्लेस पे 1, तो 1 × 1/9। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में सीख लिया था कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे फॉर्म होते हैं और मिक्स सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, नाउ 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट क्या है हमारे? सबसे पहले 5th देखेंगे, 2/3 × 4, 4 × 3 = 1 लगा दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन 2 × 4 से कितना होता है हमारा 8, और 3 × 1 = 3। बीच में साइन मल्टीप्लीकेशन का है तो मल्टीप्लीकेशन ही करना है। ठीक है, तो 8/3 ये आ गई हमारी लोएस्ट फॉर्म। इसको रिड्यूस करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। सो मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 8 को मैंने डिवाइड करा 3 से, 3 × 2 = 6, और फिर नीचे क्या बचा 8 × 6 - करने पर 2। कैसे प्लेस होंगी वैल्यूज? 2 आ जाएगा 3 की प्लेस पर, 3 गया 2 के, और 2 गया 2 की प्लेस पर, तो 2 × 2/3 हमारा क्या आ गया? मिक्स फ्रैक्शन आ गया। नाउ 6, 5/2 × 6, तो 6 के नीचे मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, देन 5 × 6 से कितना होता है हमारा 30, और 2 × 1 से कितना होता है 2। देखो ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है। 2 × 10 = 50, 30 कितने टाइम्स आता है? 15 टाइम्स आता है, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 15। ठीक है, नाउ 7 कितना है हमारा? 11 × 4/7। ठीक है, अगेन 11 के नीचे 1 लगा दूंगी। ठीक है, तो 11 × 4 = 44, और 1 × 7 = 7। ठीक है, अब हम उसको मिक्स, ये लोएस्ट फॉर्म आ गई, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 44 को मैंने 7 से डिवाइड करा, तो 7 × 6 = 42, 44 में से 42 का कितना बचा? 2। प्लेसेस कैसे होगी? 6 आएगा 7 के प्लेस पे, 7 2 के प्लेस पर 2, 6 के प्लेस पे 6, 2/7। नाउ 8th पार्ट, 20 × 4/5। ठीक है, सो इसके लिए मैंने 1 लगा दिया, 20 को 4 से इंटू करा कितना आया? 18, और 1 × 5 से कितना होता है? 5। ठीक है, देखो 5 के लिए 18 को हम करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 16 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये पूरा डिविजिबल हो रहा है तो दैट मीन्स ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। 6 वाले केस में भी यही हुआ था, ये हमारा पूरा डिविजिबल हो चुका था, रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। नाउ 9th में क्या है हमारे पास? 13 × 1/3, इसके नीचे 1 लगा दो। ठीक है, 13 × 1 = 13 and 1 × 3 = 3, तो 13/3 ये आ गई हमारी लोएस्ट फॉर्म। इसको कन्वर्ट करना है हमको मिक्स फ्रैक्शन में। सो 13 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी, तो 3 × 4 = 12, 13 + 12 सब्ट्रैक्ट करें कितना बचा? 1 बचा। प्लेसेस चेंज होगी, 4 आएगा 3 के प्लेस पे, 3 1 के, 1 4 के प्लेस पे, तो 4 × 1/3 का मिक्स फ्रैक्शन आ गया। नाउ लास्ट पार्ट जो कि हमारा क्या है? 10th। सो 10th क्या है हमारा? 15 × 3/5। ठीक है, इसको करने के लिए सेकंड में 1 लगा दो। ठीक है, सो 15 × 3 से कितना होगा? 45, और 1 × 5 = 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 45 9 टाइम्स ले जाएगा, 5 टाइम्स का कितना होता है? 45। सो दैट मींस ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल है हमारे पास, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। सो ये हुए हमारे क्वेश्चन 3rd कंप्लीट।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।